क्लास सिक्स एसएसटी हिस्ट्री पार्ट चैप्टर नंबर वन एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। दिस इज पार्ट टू। मैन्युस्क्रिप्ट। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ। दिस मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। अ पाम लीफ वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। टू सी अ बर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट यू कैन सी दिस पिक्चर। लैंग्वेज मे नॉट बी अंडरस्टूड, इट इज समहाउ तमिलियन। आपके सामने एक चित्र भी है, ताड़ पत्रों से बनी हुई पांडुलिपि का एक चित्र। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि को हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। हालांकि इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है काफी टाइम पुरानी है, उस समय में यूज होती थी। ज्यादातर इसमें तमिल लैंग्वेज, संस्कृत या फिर प्राकृत ये लैंग्वेज नजर आती है। नाउ अनदर पिक्चर इज हियर, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। वी विल रीड अबाउट दिस किंग इन सम नेक्स्ट चैप्टर्स। वेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। वेन वी रीड वॉट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड languages, Greek on the top of it and Aramaic on the below of it, which were used in these areas. अभिलेख, जो एक कठोर सतह हार्ड सरफेस पर खुदाई करके लिखे जाते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख, जिसका चित्र आप यहाँ देख रहे हैं, वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम आगे हमारे ही सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों और संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी या फिर अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ है। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड। दीज वर यूजली रिटन ऑन पैम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयस। ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स ईटन अवे बाई इंसेक्ट्स, सम आर डिस्ट्रॉयड एंड Many have survived, often preserved in temples and monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science. Beside, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit, language used by ordinary people, and Tamil. अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। प्राकृत का प्रयोग आम लोग किया करते थे। We can also study inscriptions. These are written on relatively hard surface such as stone or metal. Sometimes king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well where men and women, including king and queens, recorded what they did. For example, king often kept records of victories in battle. Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who study these subjects are called archaeologists.
Archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and brick, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, or pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay, or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं. ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं. कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें तथा उनका पालन कर सकें. अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है. उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे. अब एक प्रश्न आता है कि क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे, ऐसा करने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी. इसके अलावा कई ऐसी वस्तुएं अतीत में मिली और प्रयोग में लाई जाती थी. ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है. पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं. वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं. इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हुई हो सकती हैं. ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं. Archaeologists also look for bones of animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. Plant remains survive for more rarely. If seeds of grain or piece of wood have been burnt, they survive in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historian, that is, scholar who study the past, often use the word source to refer the information found from manuscript, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. So, historian and archaeologists are like detectives who use these sources like clues to find out about the past. पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं. इससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे. वनस्पतियों के अवशेष बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं. यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे हुए रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत सोर्स शब्द का प्रयोग करते थे. इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं. स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा रोचक हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करने लग जाते हैं. अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं. In this given picture, we can see a pot from an old city. Pots like these were used by 4,700 years ago. And two more pictures are there, an old silver coin. Both sides are given. Coins such as this one were in use from about 2,500 years ago. Now, in what ways is the coin different from the ones we use today? इस दिए गए चित्र में प्राचीन नगर से प्राप्त एक पात्र है, मटकी नजर आ रही होगी. इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था. इसके साथ में ही दो चित्र और हैं, ये असल में सिक्के हैं पुराने. इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था. अब आज जो हम यूज करते हैं सिक्के, वो इनसे कुछ अलग ही है. क्यों अलग है? Now, past is one or many. Did you notice the title of this book, Our Pasts? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. For example, the lives of herder or farmer were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftspersons, and so on. Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. For example, today, most people live in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supply of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did, while
आर्कियोलॉजिस्ट्स हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। अब अतीत एक है या अनेक है? हमारे चैप्टर का नाम देखो क्या है, हमारे अतीत, अवर पास्ट। अब जो ये हमने यहाँ पर एक बहुवचन यूज किया है, तो बहुवचन इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, इस समय में देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल का संग्रह करके करते थे। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को भी जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। How do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 or something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the death of the Christ. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before Christ added on. In this book, we will refer to dates going from the present using 2000 our starting point. BC, we have seen, stands for before Christ. You will sometimes find AD before dates. This stands for two Latin words, Anno Domini, meaning in the year of the Lord, Lord Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we begin using this form of dating from about 2000 years ago, and sometimes the letter BP meaning before present are used. तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या फिर इसी तरह का कोई अन्य वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म की तिथि से होती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है और ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। बुक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी हमने AD भी लिखा हुआ देखा है। AD का मतलब है एनो डोमिनी। ये दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ भी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही है। कभी कभी AD की जगह CE और BC की जगह हम BCE का प्रयोग करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा और BCE का अर्थ है बिफोर कॉमन इरा। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। दिस प्रेजेंटेशन इज ब्रॉट टू यू बाय इंद्र विजय सर।